नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। इसी तर्ज पर जिला प्रशासन जनपद स्तर पर उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को एक मंच प्रदान कर रही है, ताकि आसानी से छत के नीचे सारी औपचारिकताएं पूरी कर सके। 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस विशेष आयोजन के चलते देश दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई टीम यूपी को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपीजीआईएस की तैयारियों में जुटा लखनऊ, उद्घाटन में पीएम मोदी होंगे शामिल, राष्ट्रपति मुर्मू समापन समारोह की होंगी मुख्य अतिथि। जीआईएस में देश और दुनिया भर के निवेशक होंगे शामिल। नई ऊंचाइयों को छुएगा इन्वेस्टर्स समिट, रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं, दुल्हन सा सजेगा लखनऊ। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हो रहा है। इसी तर्ज पर जिला प्रशासन जनपद स्तर पर उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को एक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि आसानी से एक छत के नीचे सारी औपचारिकताएं पूरी कर सके। 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस विशेष आयोजन के चलते देश दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई टीम यूपी को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बता दें कि मुंबई भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देने गए यूपी सीएम को यहां से 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, तो वहीं दिल्ली में हुए रोड शो में उत्तर प्रदेश सरकार को 2.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लखनऊ में लखनऊ रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबको 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम के साथ मिलकर के आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करेंगे, उन सभी सेक्टर्स में उन संभावनाओं को तलाशेंगे जो न केवल आपके लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आप सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन निवेश के साथ बेहतरीन वातावरण देने का आश्वासन भी देता हूं। इस दौरान 79 उद्योगपतियों ने 76,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है। साल 2027 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में ये इन्वेस्टर समिट सहायक होगा। बहरहाल लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों में योगी सरकार जुट गई है, तो वही लखनऊ जिला प्रशासन इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। स्वाभाविक रूप से देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और इसलिए मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए, और इसलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा, उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर
देखेंगे निवेश मित्र निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी, ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा, आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री समेत तमाम उद्योगपति व 20 से अधिक देशों से प्रमुख लोग शामिल होंगे। उद्घाटन और समापन सत्र के मुख्य कार्यक्रम के अलावा प्रतिदिन अलग अलग विषय और कंट्री पार्टनर के साथ करीब 8 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। दिन के अंत में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होगा। UPGIS में बतौर पार्टनर कंट्री जुड़ने वाले देशों के लिए भी अलग अलग सत्र का आयोजन किया जाएगा। सिंगापुर और नीदरलैंड्स के लिए पहले दिन का सत्र तय किया गया है, वहीं डेनमार्क और जापान के सत्र दूसरे दिन होंगे। UK और मॉरिशस का सेशन तीसरे दिन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इन देशों के प्रतिनिधि सत्र में अपने विचार रखेंगे। इस समिट को लेकर लखनऊ के DM ने निर्देश भी दिए हैं। हाल ही के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किया और ऐसा ही प्रयास UP के सभी जिलों में होगा। सभी सांसद विधायक गण अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद संपर्क बना रहे हैं और उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दे रहे हैं और निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। वहीं कार्यक्रम में अंतिम दिन यानी 12 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होगी। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों से प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। इस तरह फरवरी महीने में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 10,000 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।